Good morning, all of you. Today discuss in surgical instrument. First study करेंगे हम cutting and descending instrument. Second clamping and occluding instrument. Third grasping and holding instrument. Fourth deterring and exposing instrument. First अपना आता है cutting and descending instrument. Are sharp and are used to cut body tissue for surgical supply. तो ये हमारे supply के अंदर हम जो cutting descending instrument कौन कौन से होते हैं ये हम आपको किन विषयों करें इनको image अपने. तो इनका first है cutting descending instrument. Second आता है 7 handle with 15 blade deep nip. ये use किस में होता है? Use to cut deep delicate tissue. किस में होता है? जहाँ तो deep delicate tissues के अंदर इसका use किया जाता है. Third आता है handle with 10 blades. 3 handle with 10 blades inside nip. Use to cut superficial tissue. Fourth आता है अपना handle with 20 blade skin nip. Used to cut skin. ये used to cut skin के काम में आता है. फिर आता है फिफ्थ अपना ब्लेड्स फॉर कटिंग इंसीजन एंड एक्सीजन. ये डिफरेंट डिफरेंट ब्लेड हर प्रकार के प्रोसीजर में यूज आती है. ब्लेडें होती हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 150. ये सभी डिफरेंट डिफरेंट ब्लेडें होते हैं. नेक्स्ट आता है अपनी स्टेराइट मायोसीजर्स. इसका यूज टू कट सूचर एंड सप्लाई. इसका यूज कट सूचरिंग एंड सप्लाई एंड आल्सो नोन एज सूचर सीजर. नेक्स्ट आता है करोड़ मायोसीजर. यूज टू कट हैवी टिश्यू फेसिया मसल्स यूट्रस और ब्रेस्ट. नेक्स्ट आता है अपनी मेटाजिबम सीजर्स. यूज टू कट डेलिकेट टिश्यू. फिर आता है क्लंपिंग एंड ओक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट. जो क्लंपिंग के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं. फर्स्ट आता है मेटोस्टेट. इट यूज टू क्लैंप ब्लड वेसल्स और टैग सूचर्स. इट्स जाओ मे बी स्टेराइट और कर्वर्ड अदर्स नेम सर्किल स्नब द स्टार्ट. हिमोस्टेट किस में यूज करते हैं? इसको ब्लड वेसल्स क्लंपिंग के लिए, टैग सूचर के लिए और जाओ स्टेराइड कर्वर्ड के लिए हम हिमोस्टेट यूज करते हैं. नेक्स्ट आता है अपना ए मॉस्किटो. इन यूज टू क्लैंप स्मॉल ब्लड वेसल्स. स्मॉल ब्लड वेसल्स के लिए इट्स जाओ अवे बी स्ट्रेंथ बी कर्व और अधिक जाओ के लिए. नेक्स्ट आता है अपना ए किली. किली इज यू क्लैंप लार्जर वेसल्स एंड टिश्यू अदर नेम लोकहेस्टर पिन. ये किली इंस्ट्रूमेंट. फिर आता है अपना बर्लियसर. इट यूज टू क्लैंप डीप ब्लड वेसल्स. जो डीप क्लैंप वेसल उनके लिए बुरलियसर्स काम में किया. बुरलियसर्स हैव टू क्लोज फिंगर रिंग्स एंड बुरलियसर्स विद एन ओपन फिंगर रिंग आर कॉल्ड टॉन्सिल्स हेमेटोस्टाट. अदर नेम होता है सेंकिबिट टॉन्सिल्स फोरसेप्स एडेंसन फोरसेप एडेंसन फोरसेप. नेक्स्ट आता बना ए राइट एंगल. इसका यूज होता है यूज टू क्लैंप हार्ड टू रीच वेसल्स. जो हार्ड टू रीच वेसल्स होते हैं उनको एट द प्लेस सूचर बिहाइंड अराउंड द वेसल्स. जो वेसल्स थे उनको प्रेस करने सूचरिंग करने के लिए बिहाइंड जो अराउंड वेसल्स उनके लिए ए राइट एंगल विद सूचर अटैच इज कॉल्ड टाई ऑन द पास्टर अदर नेम ऑफ मिक्सचर. नेक्स्ट आता है अपना हेमोक्लिप. अप्लाई विद हेमोक्लिप्स अप्लाई मेटल क्लिप इन टू ब्लड वेसल्स एंड डेक्ट विच विल रिमेन ऑक्लूटेड. हेमोक्लिप किस में आता है? जो अप्लायर विद हेमोक्लिप्स के लिए अप्लाई मेटल क्लिप्स ऑन टू ब्लड वेसल्स एंड कट विच विल रिमेन ऑक्लूटेड. नेक्स्ट आता है अपना ग्रैप्सिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू होल्ड टिश्यू ड्रॉप्स और स्पंज. इसमें फर्स्ट आता है अपना एनएलिस. एनएलिस का यूज़ क्या होता है? ग्रेप्स टिश्यू में. और इसका दूसरा नाम होता है जूट एलिस होल्ड इंटेस्टाइनल टिश्यू एंड हैवी एलिस एलिस होल्ड ब्रेस्ट टिश्यू. नेक्स्ट आता है अपना बैक पोक.
Peg hook is used to grab delicate tissue and intestine fallopian tube ovary के अंदर. Peg hook किसने यूज करता है? ग्रब्स डेलीकेट टिश्यू के इंटेस्टाइन के एंड फलोपियन ट्यूब एंड ओवरी के अंदर. नेक्स्ट है अपना कोचर. इट यूज टू ग्रब्स हैवी टिश्यू. मे ऑल्सो बी यूज एज क्लैम्प जाओ अभी भी राइट करवर्ड एंड अदर नेम होता है इसका ओंसर. कोचर का अदर नेम होता है ओंसर. नेक्स्ट आता अपना फॉरेस्ट स्पंज स्टिक. इसका यूज द ग्रैप्सिंग स्पंज में अदर नेम होता है इसका स्पंज फॉसेट. फिर आता अपना एड डिजेस्टर. डिजेस्टर इसका यूज टू होल्ड पीनोट. नेक्स्ट आता अपना रिकॉर्ड टेरटिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू होल्ड बैक एंड रिट्रैक्ट ऑर्गन टिश्यू और गेन एक्सपोजर टू द ऑपरेटिव साइट. दे आर आइदर सेपरेटिंग स्टे ओपन देयर ओवन और मैनुअल बाई हैंड वैन आइडेंटिफाई द रिट्रैक्टर लुक एट द ब्लेड नोट द हैंड. ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रेटिंग एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं. फर्स्ट आता है डेवियर डिटेक्टर मैनुअल. इट्स यूज टू रिट्रैक्ट डीप एब्डोमेन और चेस्ट इंसिजन के लिए एंड अवेलेबल इन वेरियस वाइड्स. नेक्स्ट आता है अपना रिच हडसन डिटेक्टर. इसको मैनुअल कहते हैं. इट्स यूज टू रिट्रैक्ट डीप एब्डोमेन और चेस्ट इंसिजन के लिए. और नेक्स्ट ये अपना रिच हडसन डिटेक्टर होता है. इसका यूज किया जाता है रिट्रैक्टर डीप और एब्डोमेन चेस्ट इंसिजन के लिए. नेक्स्ट आता है अपना एन आर्मी नेवी डिटेक्टर मैनुअल. इट यूज टू डिटेक्ट सोलो और सुपरफिशियल इंसिजन अदर नेम ऑफ यूएसए यूएस आर्मी. सो यूएस आर्मी के नाम से भी ये एन यूएस आर्मी डिटेक्टर यूएस आर्मी के नाम से जानते हैं. फिर आप है ना गोल्यूलेट द मैनुअल. इट यूज टू डिटेक्ट सोलो द सुपरफिशियल इंसिजन के लिए. फिर नेक्स्ट आता है अपना मेलेबल्स और रिबन डिटेक्टर. मल्टीपल रिबन डिटेक्टर किसमें यूज होता है? इट यूज टू डिटेक्ट डीप वाउंड्स एडू वाउंड्स के लिए मे बी बैंड वेरी शेप के लिए. वेंटिलेन डिटेक्टर सेल्फ डिटेक्टिंग यूज टू डिटेक्ट सोलो इंसिजन के लिए. वेंटिलेटर डिटेक्टर सेल्फ डिटेक्टिंग ये यूज होता है यूज टू डिटेक्ट सोलो इंसिजन के लिए. नेक्स्ट आता है अपने गैल्पी डिटेक्टर सेल्फ स्टैंडिंग. इट यूज टू रिट्रैक्ट सोलो इंसिजन के लिए. नेक्स्ट आता है बाल फुलर विथ ब्लेटर ब्लेड सेल्फ डिटेक्टिंग. इट यूज टू रिट्रैक्ट बाल फुलर विद ब्लेटर ब्लेड सेल्फ डिटेक्टिंग. इट यूज टू डिटेक्ट बाल फुलर जो इंस्ट्रूमेंट होता है यूज होता है इसका रिट्रैक्ट वुंड एज के लिए ड्यूरिंग डीप एब्डोमिनल प्रोसीजर के जो भी ड्यूरिंग डीप एब्डोमिनल प्रोसीजर होता है उसके लिए बाल फोर विथ ब्लेडर ब्लेड सेल्फ का यूज किया जाता है. फिर आता है अपना स्पंज होल्डर. स्पंज होल्डर इसका यूज किया है यूज फॉर होल्डिंग स्पंज और ए गोज पीस फॉर मेंटेनिंग एरिया एंड बिफोर ऑपरेशन. जो भी अपना स्पंज होल्डिंग का यूज किया जाता है स्पंज होल्डिंग और गोज पीस के लिए पेंटिंग जो एरिया बिफोर ऑपरेशन के लिए हम स्पंज होल्डर का उपयोग करते हैं. ओके थैंक यू. यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक करना नहीं भूलें.